हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी लीना आर्टिस्ट हियर। आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयल कलर इस्तेमाल करने का सही तरीका। जिन लोगों ने ऑयल में अभी अभी नया नया काम करना शुरू किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। विदाउट स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिगनर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऑयल कलर क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑयल कलर क्यों यूज़ करते हैं, ऑयल कलर किस पर यूज़ किया जाता है, ऑयल कलर यूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑयल कलर में कौन से ब्रश यूज़ होते हैं, और ऑयल कलर किस किस क्वांटिटी में मिलते हैं, मार्केट में ऑयल कलर की प्राइजेस क्या हैं। तो बात करते हैं ऑयल कलर क्या है। आपने देखा होगा कि ऑयल कलर बहुत लंबे समय से प्रयोग होता हुआ आ रहा है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट ऑयल कलर में ही अपनी पेंटिंग बनाते हैं। तो साथ ही साथ मैं ऑयल कलर की क्वांटिटी और उसकी प्राइसेस भी बता देती हूँ। तो मैं अपने ऑयल ट्यूब्स आपको दिखाती हूँ। ये 20 ml का छोटा ट्यूब है। ये वन बॉक्स में 12 शेड आपको अवेलेबल होते हैं। ये 1 ml के आर्टिस्ट ऑयल कलर है, और ये बड़े ट्यूब है, इनकी क्वांटिटी 120 ml है, और ये आपको सिंगल पीस ही परचेस करना होता है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ऑयल कलर क्यों यूज़ करते हैं। ऑयल कलर के साथ आप हाइपर इलास्टिक वर्क कर सकते हैं। ऑयल बहुत स्मूथ चलता है, और इसमें पोर्ट्रेट बहुत ही जल्दी और इलास्टिक लुक में बनते हैं। ऑयल पेंटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है, ऑयल पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, ना तो उसमें पानी का डर रहता है और ना ही सीलन का। अब बात करते हैं ऑयल कलर किस पर और कैसे इस्तेमाल करें। ऑयल कलर कैनवास पर यूज़ किए जाते हैं। कैनवास तीन प्रकार के होते हैं, बोर्ड कैनवास, फ्रेम कैनवास एंड रोल कैनवास। खाली कैनवास जो रोल में आता है, ये खुला हुआ है, इसमें कोई भी फ्रेमिंग नहीं होती है, इसे फ्रेम हमें बाहर से करवाना पड़ता है। ये कैनवास इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अपना रोल कैनवास अच्छी तरह खोलकर दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होता है, ये एक मोटा जालीदार कपड़ा होता है, फ्रंट साइड वाइट होता है एंड बैक साइड ऑफ वाइट होता है। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट साइड से भी खुरकुरा है एंड बैक साइड से सॉफ्ट स्मूथ है। और मैंने इनकी प्राइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये फ्रेम कैनवास है, इसमें चारों कॉर्नर पर लकड़ी लगी रहती है, और ये लकड़ी बहुत हल्की होती है, जिससे आप कैनवास इजीली उठा सकते हैं। और जो बोर्ड कैनवास होता है वो बहुत ही भारी होता है, इसलिए वो मार्केट में बड़ा भी नहीं मिलता। ऑयल कलर यूज़ करने का पेपर भी आता है, जिसे ऑयल शीट कहते हैं। ये मेरे पास A2 शीट साइज़ है, ये मैं आपको अच्छी तरह दिखा देती हूँ। इसकी जो फ्रंट साइड है वो ऑफ वाइट होती है एंड बैक साइड से ये स्मूथ होता है, एकदम चार्ट पेपर की तरह। अब देखते हैं ऑयल कलर कैसे यूज़ होता है, और ऑयल कलर यूज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ऑयल शीट पर करके दिखा देती हूँ। मैं आपको फास्ट पोर्ट्रेट बनाकर दिखाती हूँ। मेरी एक साइड राइट है एंड एक साइड रॉन्ग है। एक साइड पर मैं आपकी मिस्टेक्स बताऊंगी, और दूसरी साइड पर मिस्टेक कैसे ना हो मैं ये बताऊंगी। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल शीट ले ली है, और अब मैं इसे अपने बोर्ड पर टेपिंग कर लूंगी। तो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एक सिंपल फेस ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लीड पेंसिल यूज कर रही हूँ।
जिन्होंने नई शुरुआत करी है उनके लिए ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपको स्टार्ट करना है अपना आर्टवर्क तो आपको लीड पेंसिल ही यूज़ करनी है, इससे ना आपकी पोर्ट्रेट की ग्रिप अच्छी बनती है। एंड सेकंड पॉइंट, आप इसे इजीली इरेज कर सकते हैं। इरेज होने के बाद ये पेपर पे छपती नहीं है। आप इसके साथ लाइट से लाइट वर्क कर सकते हैं। अब इसी तरह मैंने हेयर भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हम शोल्डर ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी पोर्ट्रेट होती है वो शोल्डर तक होती है। शोल्डर ड्रॉ हो चुके हैं, पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया। हमारा पोर्ट्रेट इज कंप्लीट। इसी तरह से मैं नेक्स्ट फेज भी ड्रॉ कर लूंगी। तो अब पारी आती है एक्रेलिक करने की। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे। अब हम उसमें एक्रेलिक कलर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ट्यूब कलर लिया है एक्रेलिक का। आप चाहे तो फैब्रिक कलर भी ले सकते हैं जो शीशी में आता है। टी स्पून वाटर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रहे कलर बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, वरना इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो अब मैं इसे पूरी तरह से अप्लाई कर दूंगी। अब मैंने इसे अच्छी तरह अप्लाई कर दिया है। अब इसे ड्राई होने देंगे। ये 10 से 5 मिनट में ड्राई हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्किन टोन में यूज़ होने वाले सारे कलर अपने पैन में निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं लाइट स्किन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम नेक्स्ट फेस पर भी कलर कर लेते हैं जिस पर मैंने एक्रेलिक कलर नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल कलर में मिक्स हो रही है और जो कलर है ना वो ब्लैक पड़ता जा रहा है। फिर आप कितने भी एफर्ट दे देना, ये आपकी छोटी सी मिस्टेक पूरा पोर्ट्रेट ख़राब कर देगी। और आप देख सकते हैं मेरा ब्रश कितना ब्लैक हो गया है पेंसिल की वजह से। इसलिए एक्रेलिक कलर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसी तरीके से हम पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। हमारी पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुकी है, अब हम टेप हटा लेंगे। आपका ऑल पोर्ट्रेट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सूखने में मिनिमम 3 दिन लेता है। अब आपको डिफरेंसेस समझ आ गया होगा, इसलिए एक्रेलिक करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन ऑल शीट, अब मैं ऑयल पेंटिंग कैनवास पर कर दिखाती हूँ आपको। कैनवास पर पेंटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैनवास लिया है, तो अब मैं इसकी रैपिंग हटा लूंगी। पेंटिंग करने से पहले अपने कैनवास पर जैसो या फिर होममेड टेक्सचर कर लेना चाहिए। तो अब मैं होममेड टेक्सचर बनाऊंगी एंड अपने कैनवास पर अप्लाई कर दूंगी। होममेड टेक्सचर बनाने के लिए पहले फेविकॉल, पुट्टी, बाउल एंड स्पून ले लेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच पुट्टी ऐड कर रही हूँ एंड हम ऐड करेंगे फेविकॉल। तो करीब 1 चम्मच मैं फेविकॉल ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें इस तरीके से दाने नहीं आने चाहिए और इसकी क्वांटिटी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। आपको दिख रही होगी इस तरीके की क्वांटिटी आपको तैयार करनी है। तो बारी आती है अप्लाई करने की। तो करीब 1 चम्मच यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ कैनवास पर एंड मैं अब नाइफ से इसे स्टर कर दूंगी। पूरे कैनवास पर स्टर अच्छी तरह करने के बाद जो एक्स्ट्रा है हम उसे निकाल देंगे और अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। करीब 15 से 20 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। अब ये ड्राई हो चुका है एंड मैं आपको डिफरेंसेस दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कैनवास पर मैंने टेक्सचर करके तैयार रखा है एंड एक कैनवास पर मैंने टेक्सचर नहीं किया है, तो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। जिस पर टेक्सचर नहीं किया है उसमें बहुत ज़्यादा बीट्स हैं एंड जिस पर मैंने टेक्सचर कर लिया है वो बहुत स्मूथ है, आप देख सकते हैं। तो बारी आती है ड्रॉ करने की। मैं यहाँ पर एप्पल ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लीड पेंसिल का ही यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इससे। तो मैंने एप्पल की शेप पूरी अच्छी तरह ड्रॉ कर ली है। अब मैं ऐसे ही दूसरे कैनवास पर भी एप्पल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब दोनों कैनवास पर एप्पल ड्रॉ हो चुके हैं। अब बारी आती है एक्रेलिक करने की। जिस टाइप से हमने ऑयल शीट पर एक्रेलिक किया था उसी टाइप से हम कैनवास पर भी एक्रेलिक अप्लाई कर देंगे। और इस पर मैंने एक्रेलिक अप्लाई नहीं किया है। तो अब कलर करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने जहाँ पर येलो कलर किया है वो पेंसिल से मिक्स होकर ग्रीन हो गया है। और कलर मिक्सिंग भी अच्छी तरह नहीं हो पा रही है, आपस में कलर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि हमारे एप्पल में रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाएगा। तो मैं सारे कलर अब जल्दी जल्दी ऐड कर लेती हूँ। तो
क्योंकि कलर बहुत सूखा सूखा हो रहा है, इसलिए मुझे अब इसमें लिंसिड ऐड करना पड़ रहा है। लिंसिड ऐड करने से हमारी जो पेंटिंग होती है वो ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेती है। लिंसिड कलर को पतला करने के लिए मिलाया जाता है। बीट्स होने की वजह से मेरा कैनवास कलर अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है और मिक्सिंग भी अच्छी तरह नहीं हो पा रही है, और जो लिंसिड हम लगा रहे हैं वो भी कैनवास अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए कलर फटा फटा आ रहा है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आ पा रही है। मैंने यहाँ पर शेड देने की कोशिश करी है, कलर फट गए हैं, मिक्स नहीं हो पाए हैं, कलर अलग अलग होने की वजह से अच्छी शेडो नहीं बन पाई, इसलिए हाइपर इलास्टिक लुक भी नहीं आ पाया। अब मेरा एप्पल कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें वो फिनिशिंग नहीं है जो हाइपर इलास्टिक वर्क में आती है। इस पर एक्रेलिक कर दिया था तो देखो इसकी पेंसिल बिल्कुल छूट नहीं रही है। अब इस पर भी मैं कलर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि कलर कितना स्मूथ और थिक क्वांटिटी में आ रहा है, वो भी विदाउट लिंसिड। तो ये फायदा हुआ हमारी कैनवास पर टेक्चर और एक्रेलिक करने का। इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पेंटिंग हाइपर इलास्टिक वर्क में बन सके। और सारे कलर आपस में अच्छी तरह मिक्स भी हो रहे हैं।
तो मेरा एप्पल बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको दोनों एप्पल के डिफरेंसेस दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जिस कैनवास पर मैंने टेक्सचर नहीं किया था उसमें कलर बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं हुए हैं और कलर ड्राई भी नहीं हुए हैं और खुरखुरापन है, बिल्कुल भी ऑयल जैसा लुक नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि मैंने वाटर कलर यूज़ करे हैं। ये मिस्टेक आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको नहीं करनी है। यही मेरा सेकंड एप्पल बहुत डार्क स्मूदी एंड सॉफ्ट लुक में निकला है। देखने में रिलास्टिक लुक में लग रहा है। मैंने इन्हें 24 आवर्स के लिए हीट वाले रूम में रख दिया था। अभी अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा विदाउट टेक्सचर वाले कैनवास पर जो एप्पल है वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ और मेरा टेक्सचर कैनवास पर जो एप्पल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। मैं ऑयल ब्रशेस दिखाती हूँ आपको। ये जो ब्रशेस हैं मैं लैंडस्केपिंग के लिए यूज़ करती हूँ एंड जो फ्लैट ब्रशेस हैं मैं मोस्टली इन्हें पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करती हूँ ऑयल के लिए। ऑयल ब्रशेस की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे पेंटिंग करने के बाद आप ब्रशेस को रखा हुआ छोड़ नहीं सकती, आपको उसको तुरंत ही तारपीन के तेल में अच्छी तरह धोकर कपड़े से पोंछकर फिर रखना होता है। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो टाइट पड़ जाएगा और दोबारा यूज़ होने लायक नहीं रहेगा। प्लस आप अपने ऑयल ब्रशेस को अलग रखिए। आपको जब भी वाटर कलर एंड एक्रेलिक करना है तो आप ऑयल ब्रशेस का यूज़ ना करें, इससे ब्रश चिपचिपे और टाइट पड़ जाते हैं। इसलिए अपने ऑयल ब्रशेस को ऑयल पेंटिंग करने के लिए ही रखें और जितने ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट ब्रशेस आपके होंगे उतना अच्छा सॉफ्ट पेंटिंग आपका बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।